हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुशील। तो दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में बैठे हुए ही कैसे पता कर सकते हैं कि आपने मनरेगा में कितने दिन काम किया है, आपके कितने दिन हुए हैं और 120 दिन में से कितने दिन जो हैं वो अभी शेष रहते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो इसी विषय पर बनाई हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने फ़ोन में सबसे पहले ब्राउज़र को ऑन कर लीजिए। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, तो क्रोम को मैं ऑन कर लूँगा और यहाँ पर सर्च बार में मैं टाइप करूँगा मनरेगा या नरेगा। उसके बाद आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने आपके पास जो सबसे पहले नरेगा लिखा हुआ है, इसी पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नरेगा की वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इससे आसान तरीका बताऊंगा। आपने बैक जाना है और यहाँ जो पंचायत लिखा है, पंचायत पे क्लिक करना है। पंचायत पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने ग्राम पंचायत पर क्लिक करना है। ग्राम पंचायत पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सेकंड नंबर पर जनरेट रिपोर्ट आएगा, तो उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है वो अगला पेज खुल जाएगा, जिसमें कि सभी स्टेट्स के नाम होंगे। तो आप जो स्टेट चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने हिमाचल सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो लेटेस्ट चला हुआ है। तो हम इसमें 2022 और 23 जो फाइनेंशियल ईयर चला है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने कांगड़ा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के सभी ब्लॉक यहाँ पे खुल जाएंगे। तो मैंने प्रागपुर सेलेक्ट किया, और जैसे ही पंचायत के कॉलम पर क्लिक करेंगे तो प्रागपुर ब्लॉक में जितनी भी पंचायतें हैं वो सारी की सारी इसमें खुल जाएंगी। आप अपनी पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह। तो मैं रेंडमली कोई भी पंचायत जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं डाटा सिबा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और एक ऑप्शन आएगा अलर्ट ऑन अटेंडेंस, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें डाडासिबा पंचायत में जितने भी जॉब कार्ड होल्डर हैं उन सभी के जॉब कार्ड नंबर्स और नाम आ जाएंगे। ये देखिए, ये जॉब कार्ड नंबर्स और ये जॉब कार्ड नाम, और इसके आगे लिखा होगा कि किसने कितने दिन काम किया है, साथ में कितने दिन रिमेनिंग है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप स्क्रॉल करके अपना नाम ढूंढ के उसमें अपने दिन देख सकते हैं कि आपने मनरेगा में कितने दिन काम किया है और आपके कितने दिन बचे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।